70 के दशक में, 1970 के दशक में, तो उसके बाद से काफ़ी बनने चालू हुई, बहुत फेमस हो गया वो मेन फ्रंट, उसको दक्षिण द्वार बोलते कुछ लोग, अभी चलेंगे देखेंगे। शूटिंग होती है? हाँ, मैं चलेंगे। ये टेंट रूम बना हुआ है, इसके अंदर अक्षय कुमार, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, वो करीब करीब 15-20 दिन रहे हैं यहाँ पर। और एक बनी थी यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र, बाबी देवल, सन्नी देवल, पूरे बाप बेटों ने पूरा होटल बुक कर लिया था, यानी फिल्मी स्टार सारे आ चुके हैं। तो विशेष VIP हो जाएंगे यहाँ से। ये राजवाड़े का गेट है सेकंड, एक से प्रवेश किया दूसरे से बाहर, रहेंगे फोर्टे के अंदर ही। आइए। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग बनते थे, क्योंकि नर्मदा स्नान करके आना, और यहाँ अहिल्येश्वर टेम्पल है, इसके अंदर जो शिवालय उन्हीं के द्वारा स्थापित है, उसका पूजन करना। एक साइड से दरवाज़ा है, तो दरवाजे से पर अगर अंदर आना, 108 ब्राह्मण, 108 पाठी, जगह लग जाते थे, क्योंकि आज विविंग सेंटर काफ़ी लंबा है, ये रोज के दिनचर्या थी, डिपेंड करता है। आइए। महेश्वर नगर, बचाओ बचाओ बचाओ, जिधर से आप गाड़ी लेकर अगर स्पीड मोटे चल रही थी, नर्मदा मैया इस जगह तक आ सकती है। ये अंदर जो नजर आ रहा है आपको, ये मराठा सेना को दर्शाता है, पूरे इंडिया का कल्चर इन प्रतिमाओं में दर्शाई गई। कृष्ण लीला है, नृत्य मुद्रा है, संगीत मुद्रा, पुत्र वल्लभा, देवी देवता, सब प्रतिमाएं इनको दर्शाएगा। और जैसे संगीत कला, संगीत मुद्रा दिख रही है आपको, और इसके ऊपर जो आर्किटेक्चर है, नकाशी बनी हुई, ये आमतौर पर यहाँ का प्रसिद्ध जो साड़ी है, उसकी बॉर्डर पे जरी या रेशम से बनाई जाती है, फेमस भी वही व्यवसाय भी है। हर मैया की कृपा है तो आज लोग कमा खा रहे हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। आइए मैया के दरवाजे, अहिल्येश्वर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपन। अब माता का थोड़ा ऊपर आ जाओ, ओनली वन पीस है ये, एक पत्थर, उसने आंतरिक से कपड़े, अंदर के कपड़े, पाँव में ये, शरीर के ऊपर का वो कपड़ा, कपड़े के ऊपर दुपट्टा, दुपट्टे के ऊपर गमछा, हाथ में कड़े, लकड़ी उसी में अटैच, पीछे फेटा, गले में माला, एक पीस है ये। अच्छा, एक ही पत्थर। अब इससे और बढ़ के क्या कला हो सकती है? तो तुकोजी राव की 4 संतानें थी, उसमें से 6ठे नंबर के राजा थे यशवंतराव प्रथम, उनकी पत्नी थी कृष्णाबाई। वो कहती है कि मेरी नान्या सांस, दादिया सांस जो भी है, तुकोजी राव की पत्नी भी उनकी नान्या सांस, दादिया सांस लगती है, और माता अहिल्या भी वही लगती थी। तो यशवंतराव प्रथम 6ठे नंबर के राजा, उनकी पत्नी थी कृष्णाबाई, वो बोलती मेरे नान्या सांस ने सारे इंडिया में कार्य किया, माँ अहिल्या ने सारे भारत में काम किया, बोला अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो एक बहू ने अपनी सांस के नाम को अमर बनाए रखने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में इस मंदिर का निर्माण किया। ये भारत में पहला टेम्पल है किसी बहू ने सांस के लिए बनाया, और किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए। अब दुनिया के 7 अजूबों में से पहला कहोगे कि 8वां, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नीचे अहिल्येश्वर, इसके ऊपर ओंकारेश्वर, डबल स्टेप में बना हुआ। आमतौर पर ज़्यादातर इसके स्तंभ बने हुए हैं, उसमें जो आर्किटेक्चर है वो महेश्वरी साड़ी के ऊपर ज़्यादा बनाया जाता है। और भगवान नारायण के दशा अवतार है, कृष्ण लीला है। आइए ऊपर, इस टेम्पल के चारों तरफ आर्किटेक्चर बने हैं, कोई भी आर्किटेक्चर सेम नहीं, ज़्यादा ज़्यादा डबल प्लेट, हर पीस बना हुआ, इसका जॉइंट यहाँ है। इतने बड़े पत्थर को निकालना और उसको फिर फिट करना, न कोई सरिया है न कोई सीमेंट है, और ये जो ज़्यादातर साड़ी के ऊपर होता है, ये नक्काशी ज़्यादा बनती है। सर्वप्रथम अवतार सर सीधे दो मत्स्य, जब सारी सृष्टि जल मग्न हो गई थी, सत्यव्रत नाम के राजा को एक नई सृष्टि के लिए प्रेरित किया था भगवान ने। इस महापुराण में शायद एक मत्स्य महापुराण भी है। शेखंड कश्यप कूर्मा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भोले बाबा ने संजीवनी दे दी थी, देवताओं के लिए संकट खड़ा हो गया, क्या करें, तब समुद्र मंथन किया था, अमृत निकाला था। तीसरे में आगे वराह,
हिरण्यकश्यप, इनकी इच्छा नारायण के पास जाने की, नारायण भगवान उनके समीप गए नहीं, ये भगवान नारायण की सृष्टि को ले गए, पृथ्वी उठा के धरातल में छुपा दिया। भगवान ने वरा उतार लिया, उसका वध किया, पृथ्वी को अपनी सही जगह पर रखा। चौथे में नरसिंह है, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नरसिंह। तीसरा तो बोले सर बचा हुआ, पाताल लोक का राजा बनाया। चौथा जिनका जिक्र आपने सुना ही होगा, सातवें राम, आठवें साइड में कृष्ण है। अब नौवे कुछ लोग बुद्ध कलयुग का घोड़ा, अने घोड़ा उनका वाहन रहेगा जो भगवान आएंगे। और कलयुग की आयु है 432,000 वर्ष, उसमें से मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं अभी। पहला चार चरण है, पहला चरण 108,000, दूसरा 18, तीसरा भी 18, चौथा भी 1। तो पहले चरण में मनुष्य की आयु है 80 से 100 साल, हाइट 5 फीट के समथिंग रहेगी। दूसरा चरण आएगा, अभी तो पहले चरण के 5,000 गए, दूसरा चरण आएगा, मनुष्य का उम्र हो जाएगी 40 से 50, वो भी सही तरीके से मेंटेन करेगा तो हाइट हो जाएगी फिर 1 फीट कम। तीसरे पे आएगा 20 से 25, हाइट फिर 1 कम। चौथा अंतिम चरण, भेड़ और बकरी की उम्र का इंसान हो जाएगा, 10 से 12 साल, ये अंतिम चरण।